पिछले 48 घंटे से बिहार में भारी बारिश हो रही है। एक तरफ पूरा पटना भारी बारिश से तबाह है, जगह जगह जल जमाव की स्थिति है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के डिवोर्स का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच आज राबड़ी आवाज से बड़ी खबर आ रही है कि ऐश्वर्या राय को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है, और ये आरोप खुद ऐश्वर्या राय ने अपने पति तेज प्रताप यादव और उनकी बड़ी बहन निशा भारती पर लगाया है। घर से बेदखल करने के बाद ऐश्वर्या राय ने खुद महिला थाना और अपने पिता चंद्रिका राय को बुलाया। आइए देखें पूरा माजरा। किचन बंद कर दिया तो फिर मैं नीचे आई तो चाबी मम्मी जी से मांगा तो उन्होंने चाबी नहीं दी और अंदर चले गए, तो हम अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन किए कि हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम अभी उसको नहीं रहने देंगे। क्या है कि अभी हाँ, अपने घर में नहीं रहने देंगे, ये मेरा रूम मेरा घर है, लेकिन अभी हमको बात करने दीजिए। और किसने कहा ये? किसने कहा? राबड़ी देवी ने कहा, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो कह रही कि मैं खुद भी असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। अभी ये जो भी डोमेस्टिकल प्रॉब्लम चल रहा है, घर के अंदर कोई गार्ड मेरे साथ नहीं रहता है और मैं खुद असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। लेकिन इस दोनों के तरफ का जो आरोप और प्रत्यारोप है, और ये इस भरी बारिश में और इस तरह से छुट्टी के दिन में जो सारे लोग परेशान और हलकान हैं, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो बैठकर निकालना ही पड़ेगा। आप निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। क्या कुछ बात हुई? देखिए बात हुई है हमारी कि भाई वो खुद को भी असुरक्षित बता रही हैं, तो किस सेंस में ऐश्वर्या असुरक्षित है, किस सेंस में राबड़ी जी असुरक्षित है, ये दोनों को देखना पड़ेगा और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। दरवाजा बंद कर लेना या भगा देना या भाग जाना, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इतनी हाई वोल्टेज है, ड्रामा हुआ, अभी तक कोई बाहर नहीं निकले हैं। देखिए अब बाहर क्यों नहीं निकले हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत बात है, लेकिन मैं ये नहीं, मेरी बात सिर्फ राबड़ी जी से हुई है और घर पे और किसी और से।